और इस वक्त पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के फाजिलका में 1 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। बॉर्डर के पास ड्रोन से आरडीएक्स की डिलीवरी की गई। आरडीएक्स के साथ बैटरीज और टाइमर भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से भेजा गया था आरडीएक्स। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। पाकिस्तान से भारत ड्रोन के जरिए आरडीएक्स भेजा गया है। आरडीएक्स के साथ कुछ बैटरियां और टाइमर भी बरामद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फाजिलका में 1 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, ये बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है फाजिलका से, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, फाजिलका का अबोहर सेक्टर है, वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा के नजदीक बहादुर इलाका है। वहां पर ड्रोन का मूवमेंट देखा गया था और उसके बाद बीएसएफ ने वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईडी लगा विस्फोटक बरामद हुआ है। आईडी यानी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, उसके अंदर 1 किलो आरडीएक्स फिट किया गया है, बैटरी लगी है, टाइमर लगे हैं। और इसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल सेल को सौंपी गई है बीएसएफ के द्वारा, और ये विस्फोटक भी सौंप दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये कंसाइनमेंट भेजा गया था भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए और इसका इस्तेमाल कहीं किया जाना था, और ड्रोन के माध्यम से ये जो पूरा विस्फोटक है ये भारत की सीमा में भेजा गया है। हालांकि जिन लोगों को ये कंसाइनमेंट रिसीव करना था उन तक पहुंचने से पहले बीएसएफ ने इसे रिकवर कर लिया है। तो देखिए, ड्रोन के जरिए सरहद पार से कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं, ये खबर कहीं ना कहीं ये सबक भी दे रही है। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए।